मजारी ख़ानदान जनूबी पंजाब की सियासत में नया नाम नहीं। मीर बलख शेर मजारी निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। इनके बेटे सरदार तारिक महमूद ख़ान को भी सियासी हलकों में हाथों हाथ लिया गया और अब इनके पोते मीर दोस्त मोहम्मद मजारी पंजाब की सियासत के अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं। मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सियासत के मैदान में आए, इलेक्शन जीता और 2013 तक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पानी व बिजली के ओहदे पर विराजमान रहे। नज़रअंदाज करने पर 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर लीं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार किस्मत की देवी मेहरबान ना हुई। 2018 के इलेक्शन में जनूबी पंजाब की सियासी हवा पीटीआई के हक में चली तो मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी ने भी बल्ले के निशान पर किस्मत आजमाई और पीपी 297 राजनपुर 5 से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर गौर व फिक्र शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। विफाक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की कामयाबी और पंजाब में नंबर गेम पूरी होने की बदौलत रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हरीफ मीर दोस्त मोहम्मद मजारी को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने से नहीं रोक सकेंगे। इमरान पाशा, हम न्यूज़ लाहौर।